हाय दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के दिन में रामनवमी चल रहा है और देवी देवताओं का पूजा पाठ चल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। और दोस्तों सब देख सकते हैं कि मैं खुशी के समय में मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो कि आज के दिन में पूजा पाठ करना चाहिए लोगों को कहना है, लेकिन मैं अपने खेत की तरफ जा रहा हूँ और मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों। समय बड़ी अनमोल चीज़ होती है, समय से काम किया जाए तो ठीक है, अगर समय को समय न माना जाए तो कोई ही मतलब की ज़िंदगी ही दोस्तों, देख सकते हैं। तो ये बमूर है, मैं बमूर के नीचे खड़ा हूँ जिस समय आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ दोस्तों। आज के डेट में आप बहुत ही देख रहे होंगे एक वीडियो, आरिफ और सायरस की दोस्ती बहुत ही अच्छी तरह से देखी जा रही है। आरिफ और सायरस की दोस्ती कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि दोस्तों अगर दोस्ती में कोई आदमी आके दोस्ती तोड़वाए, जैसे कि सरकार आरिफ और सायरस के बीच में इतनी कड़ी दोस्ती थी जैसे इंसान में नहीं होती। इंसान से बढ़ के कोई आदमी अगर काम करता है उसके बारे में तो इंसान से बढ़कर दोस्ती हो जाती, इसी तरह से एक पक्षी और इंसान में दोस्ती हो गई दोस्तों। एक समय की बात है, जिस तरह से आप लोग गौतम बुद्ध को जानते होंगे, गौतम बुद्ध को एक हंस मिला, वो तड़पता हुआ हंस था और उनका भाई मार दिए थे, आप लोग देखे होंगे तो मालूम हो, उनका भाई एक शिकार करने गया था और एक बाण मारा था तो वो घायल हो गया था, और गौतम बुद्ध जी ने आपने उस हंस को बचाया और इतने में उनका भाई भी आ गया दोस्तों। देख सकते हैं उनका भाई बोलता है कि यह हंस मेरा है, और गौतम बुद्ध बोलते हैं यह हंस मेरा है क्योंकि मैं इसकी जान बचाया हूँ। तो इसी के साथ साथ आपस में बातचीत हो गई, ये मुकदमा चला गया, राजा महाराजाओं के पास चला गया। तो राजा महाराजाओं का कहना यह था कि जिसका ये हंस जो है दोनों का बराबर हक है, लेकिन पहला हंस वही उसी का होगा, जिसके प्रति ये चला जाएगा हंस उसी का होगा दोस्तों। तो हंस ने गौतम बुद्ध की तरफ बढ़ता है और चला जाता है, इसी के साथ गौतम बुद्ध के साथ हंस चला जाता है दोस्तों। उसी तरह से जैसा कि आप सुने होंगे कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, उसी तरह से हंस आरिफ और सायरस की दोस्ती है दोस्तों, कि सायरस जो है घायल हुआ आता है और आरिफ जी उसका ट्रीटमेंट करते हैं, हाथ पैर बना देते हैं, उसी तरह से आरिफ और सायरस की दोस्ती बढ़ जाती है। और आप आरिफ और सायरस की बीच में कौन घुस जाता है, इतना खतरनाक आदमी सरकार घुस जाती है और आरिफ और सायरस को अलग कर देती है। जिस तरह से अगल बगल के लोग होते हैं एक दूसरे से बिछड़ा देते हैं, एक दूसरे से कटअप कर देते हैं एकदम से, उसी तरह सरकार बीच में घुस गई, आरिफ और सायरस की दोस्ती को तोड़वाना चाहते थे। आरिफ और बहुत ही परेशान आदमी हैं, आरिफ और सायरस की तरह दोस्ती कोई करके दिखाए उससे आज़ाद, सरकार के वन विभाग से तो आज़ाद सायरस आरिफ के पास था, तो इसमें क्या मतलब था सरकार को टिप्पणी करने को। सरकार बोलती है यह हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो आरिफ और सायरस की दोस्ती कुछ इस प्रकार है, देख सकते हैं, और कितनी कड़ी दोस्ती, कहाँ जहीं कहीं भी आरिफ जी जाते थे वहाँ भी वो सायरस उड़ते जाता था, साथ में खाना खाते थे, पीना करते थे और सब कुछ करते थे दोस्तों। तो इस तरह की दोस्ती बहुत ही कम देखने को मिलती है, पक्षी और इंसान की दोस्ती। तो आरिफ और सायरस की तरह अगर सरकार इस तरह से करती रहेगी और करेगी तो पशु पक्षी से कोई इंसान दोस्ती नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह से अगर सरकार कदम उठाई तो दोस्तों, अगर मेरा यही दरख्वास्त है आरिफ से और आरिफ के दुश्मनों से, जो हमारे वन विभाग की लोक टीम है जो सायरस को ले गए हैं, उनको ईमानदारी से सायरस पहुँचा दिया जाए, क्योंकि आरिफ भी अपनी दोस्ती को निभा सकें और सायरस भी अपनी दोस्ती को निभाए, किसी की दोस्ती में टिप्पणी ना करें और दोस्ती न छुड़वाएं, क्योंकि आप भी किसी तरह के फंसने वाले हैं। क्योंकि इसी के साथ मैं वीडियो के एंड करता हूं, इसी के लिए क्योंकि आप लोग जानते होंगे गौतम बुद्ध का पहले का नाम सिद्धार्थ था। इसी के साथ वीडियो के एंड करते हैं, जय हिंद जय भारत।